अब आने वाले दिनों में जिस चैनल के सबसे ज्यादा मजे के ड्रामे आने जा रहे हैं वो है ARY डिजिटल। और ये ड्रामे ऐसे हैं जो आते ही हर तरफ धूम मचा देंगे, क्योंकि कई नामवर अदाकार इस ड्रामास में काम कर रहे हैं। तो फिर आइए ARY डिजिटल पर आने वाले ड्रामास के बारे में बात करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाजमी देखें। नंबर 5 ड्रामा सीरियल ये इश्क। नाज़रीन, ARY डिजिटल पर चलने वाला बहुत जल्द आने वाला एक रोमांटिक किस्म का ड्रामा है जिसकी शूटिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। और इसकी लीड कास्ट में शहरयार मुनव्वर सदीकी, उष्णा शाह, मनोर हैदर और बहुत सारे अदाकार शामिल हैं। ड्रामा सीरियल को सादिया अख्तर ने लिखा है और कासिम अली मुरीद ने डायरेक्ट किया है, जिसका हाल ही में ड्रामा सीरियल जाने जहां ख़त्म हुआ है। और ये ड्रामा सीरियल सिग्मा प्लस इंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार हो रहा है। ये एक मज़े का ड्रामा है नाज़रीन का सच्ची, और सबसे बढ़कर ये रोमांटिक और इमोशनल टाइप का ड्रामा है जो हमें जल्द ही ARY डिजिटल पर देखने को मिल जाएगा। नंबर 4 ड्रामा सीरियल गैर। नाज़रीन, ये भी ARY डिजिटल पर चलने वाला ड्रामा है जो कि पिछले काफ़ी अरसा से खबरों की जीनत बना हुआ है और इसकी शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। और अब ये ARY डिजिटल पर जो भी ड्रामा पहले आने जा रहा है वो ड्रामा सीरियल गैर होगा, क्योंकि अब इसकी पोस्ट प्रोडक्शन पर काम जारी है। और लीड कास्ट में उष्णा शाह, अदील हुसैन हैं, जबकि उसामा खान भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। ये भी फैमिली और रोमांटिक किस्म का ड्रामा है जिसे जंजबीर आसिफ शाह ने लिखा है। यासर नवाज इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं। ये ड्रामा 6 Sigma Plus पर इस ड्रामे का बहुत ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये एक इस तरह का ड्रामा है कि आएगा और छा जाएगा। जल्द आने वाला ये ड्रामा ARY डिजिटल पर हमें देखने को मिल जाएगा। नंबर 3 ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। 2023 का मेगा हिट ड्रामा सीरियल बेबी बाजी का ड्रामा सीरियल इसका सीजन 2 बनाया जा रहा है, जिसकी शूटिंग कंप्लीट होने वाली है। और इसकी शूटिंग की कुछ पिक्चर्स और वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं, तो मतलब ये ड्रामा कुछ ही दिनों तक हमें ARY डिजिटल पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमें जवेरिया साद, हसन अहमद, सुनीता मार्शल, जुनेल जमशेद, न्याजी, तूबा अनवर और बहुत सारे अदाकार देखने को मिलेंगे। पहले सीजन में बेबी बाजी की कहानी थी और दूसरे सीजन में बेबी बाजी की बहुओं की कहानी देखने को मिलेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का ड्रामा लग रहा है और फैमिली टाइप ड्रामा है। उम्मीद है कि पहले सीजन की तरह ये ड्रामा भी काफ़ी ज़्यादा मकबूल होगा। नंबर 2 ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। ARY डिजिटल पर चलने वाला एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल है जो कि आते ही हर तरफ तबाही मचा देगा। और जब ये ड्रामा आएगा तो ड्रामा सीरियल बाकी ड्रामास की बैंड बच जाएगी, क्योंकि इस ड्रामा में आ रहे हैं फहद मुस्तफा, वो भी एक अरसे के बाद कमबैक कर रहे हैं हानिया आमिर के साथ। ये भी पहली बार जोड़ी एक साथ देखने को मिलेगी, जबकि अमाद अरफानी भी अहम किरदारों में शामिल होंगे। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम नाम से ही रोमांटिक लग रहा है। ये बहुत ही कॉमेडी टाइप ड्रामा होगा जिसे फरत इश्तियाक ने लिखा है और बदर महमूद ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है। ये ड्रामा बिग बैग इंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार हो रहा है और कुछ ही दिनों तक हमें ARY डिजिटल पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग कितना एक्साइटेड हैं इस ड्रामास को देखने के लिए कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा। नंबर 1 ड्रामा सीरियल मन तो नहीं हूँ। नाज़रीन, ये एक ऐसा ड्रामा सीरियल है जो शायकीन की जीनत बना हुआ है और फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इसी इंतज़ार में हैं कि ये ड्रामा देखने को कब मिलेगा। अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने जा रही हैं और ये ड्रामा सीरियल मैं मन तो नहीं हूँ का आगाज़ होने जा रहा है। और ये ARY डिजिटल का एक ऐसा ड्रामा होगा जो आते ही तमाम ड्रामास के रिकॉर्ड तोड़ेगा। ड्रामा सीरियल में मन तो नहीं हूँ, हुमायूं सईद और सज्जल अली आ रहे हैं और पहली बार एक बड़ी जोड़ी देखने को मिलेगी, और वो भी एक साथ। इसको खलीलुर रहमान कमर ने लिखा है, नदीम बैग ने इसको डायरेक्ट किया है। ये 6 Sigma Plus इंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार हुआ है। इससे पहले इस टीम का ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो 2019 में आया था, जिसने बेहद मकबूलियत हासिल की। तो अब ये ड्रामा सीरियल मैं मंतू नहीं एक अच्छा ड्रामा होगा और कई ड्रामास के रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो नाज़रीन, ये हैं ARY डिजिटल के बेहतरीन अपकमिंग ड्रामास जो कि आने वाले कुछ दिनों में आपको मिल जाएंगे। आप सब लोग कितने एक्साइटेड हैं और कौन कौन से ड्रामे का इंतज़ार कर रहे हैं हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह के मज़ीद अच्छी अच्छी अपडेट्स देखने को मिलती रहें।